हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रभात। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं किचन में यूज किए जाने वाले नैनो वाइट काउंटर टॉप के बारे में। इसकी प्राइस रेंज क्या होगी, किस साइज में अवेलेबल होता है, इसकी थिकनेस क्या होगी और इंस्टॉल करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नैनो वाइट को G5 स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। यह तीन सीरीज में आता है, G3, G4 और G5। G5 को काउंटर टॉप के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ये वाइट कलर के साथ साथ हाई ग्लॉसी फिनिश में आता है। इस स्टोन की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये स्क्रैच, स्टेन, हीट एंड वाटर रेजिस्टेंस होता है और आप इसको स्टेन्स को आप इजी वे में रिमूव कर सकते हैं। स्टेन नॉर्मल क्लॉथ से रिमूव कर सकते हैं। अगर स्टेन बहुत पुराना होता है आप किचन स्क्रब यूज कर सकते हैं। नैनो वाइट खाली किचन के ओवरऑल लुक को ही इन्हेंस नहीं करता बल्कि पूरे घर के लुक को इन्हेंस करता है और एक अपीलिंग लुक देता है। नैनो वाइट आपके घर को हमेशा नए घर का एहसास दिलाता रहेगा। किचन काउंटर टॉप के अलावा आप इस स्टोन को सुरैक पे आप यूज कर सकते हैं, किचन बैकस्प्लैश पे यूज कर सकते हैं, क्रॉकरी यूनिट पे आप यूज कर सकते हैं और भी जगह जहां आप स्टोन यूज करना चाहते हैं, ग्रेनाइट यूज करना चाहते हैं, उस जगह पे आप नैनो वाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है 18 mm की होती है और जो ये साइज अवेलेबल है मार्केट में वो अराउंड 50-55 square feet के आसपास आता है। इसकी जो प्राइस रेंज है 400-450 rupees पर SFT होती है, लेकिन ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, तो आप इसकी इंक्वायरी जा करके किसी भी मार्वल शॉप पे कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आप सिंक और जो हब अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं ये दोनों को आप पहले से खरीद कर लाकर आप जो भी वर्कर्स है उसको आप दे दें ताकि उसको अकॉर्डिंग वो कटिंग करके वो फिक्स करेगा। ये काफ़ी हार्ड होता है, एक बार फिक्स होने के बाद भी अगर आप उसको कटिंग करते हैं तो उसको ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आप इसकी दोनों की कटिंग करा लें। और अगर आप बैकस्प्लैश में यूज करते हैं तो जो भी आपका जो बॉक्स होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल बॉक्स स्विचेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इसकी कटिंग करा लें। इसकी प्राइस अगर आप अदर ग्रेनाइट और मार्बल से कंपेयर करें तो थोड़ी ज़्यादा होती है। ये जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है तो लेबर कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा आती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप ये नैनो वाइट इंस्टॉल कराते हैं तो स्किल्ड लेबर से ही ये काम कराएँ। अगर आपका बजट इसके लिए अलाउ करता है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये नैनो वाइट को आप अपने काउंटर टॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनली मैं नैनो वाइट 2.5 years से यूज कर रहा हूं और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये इस पे मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो स्टेन्स है काफ़ी इजी रिमूव होते हैं। अगर आप इससे रिमूव नहीं होता है, काफ़ी पुराना स्टेन्स है, तो आप स्क्रब, किचन स्क्रब को यूज करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और जब मैंने इंस्टॉल किया था तो काफ़ी बातें सुनने को मिली थी, लेकिन बाद में लोगों ने पूछा कि ये वाइट क्यों इंस्टॉल कर रहे हो, वाइट क्यों इंस्टॉल करो, ब्लैक करो। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इस पे जो स्टेन्स रिमूवल जितना इजी होता है उतना ब्लैक पे नहीं होता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये स्टोन्स इंस्टॉल करते हैं या कोई भी ग्रेनाइट इंस्टॉल करते हैं या मार्बल इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आप इसको इंस्टॉल कीजिए, तब इसके बाद आप इसको जो बैकस्प्लैश है उसको इंस्टॉल कीजिए। बेनिफिट क्या होगा, अगर आप इसको पहले इंस्टॉल करते हैं तो ये अंदर चला जाएगा और उसके ऊपर आप इसको बैकस्प्लैश को, ये जो स्टोन से उसको आप रखते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, इसके बाद आप एक सीमेंट जब डालते हैं व्हाइट सीमेंट, तो इससे फायदा आपको ये होगा कि जब भी आप इसको क्लीन करेंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा और इधर आ जाएगा। अगर आप इसको पहले इंस्टॉल करते हैं और इसको बाद में इंस्टॉल करते हैं तो ये दोनों ज्वाइंट पकड़ेगा नहीं, और नहीं पकड़ेगा तो आप कितना भी सीमेंट डाल दें, कितना भी एरोलाइट डाल दें, कुछ दिनों के बाद पानी आपको टपकना, अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, आपके जो पूरे बॉक्स हैं वो कुछ दिन में खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। ये बताने का पर्पस सिर्फ यही है कि ज़्यादातर बिल्डर आपको टाइल्स लगा कर देते हैं, तो अगर लेबर जब ये इंस्टॉल करता है तो क्या करता है कि उसके जस्ट उसके बगल से इसको डाल देता है, तो होता क्या है उसके बाद एरोलाइट वगैरह डाल देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये खाना बनाते वक्त हिलते रहता है, हिलते हिलते वहाँ गैप बन जाता है और गैप जाने के बाद पानी
पानी स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और अगर ये किचन की लाइफ को अच्छा बना के रखना है तो। और ये जो किचन है आप देख सकते हैं आज भी वैसा ही अच्छा दिखता है जैसा पहले दिन दिखा करता था। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप व्हाइट कलर पसंद करते हैं तो आप इस स्टोन के लिए आप जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको एक जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।